पहला सैमुएल और उसका 20वां बाब जो 42 आयात पर मुश्तमिल है। और दाऊद रामा के नयोत से भागा और यूनतन के पास जाकर कहने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरा क्या गुनाह है, मैंने तेरे बाप के आगे कौन सी तकसीर की है जो वो मेरी जान का खाहा है। उसने उससे कहा कि खुदा ना करे तू मारा ना जाएगा, देख मेरा बाप कोई काम बड़ा हो या छोटा नहीं करता जब तक उसे मुझको ना बताए, फिर भला मेरा बाप इस बात को क्यों मुझसे छिपाएगा, ऐसा नहीं। तब दाऊद ने कसम खाकर कहा कि तेरे बाप को बखूबी मालूम है कि मुझ पर तेरे कर्म की नजर है, सो वो सोचता होगा कि यूनतन को ये मालूम ना हो, नहीं तो वो रंजीदा होगा। पर यकीनन खुदावंद की हयात और तेरी जान की कसम कि मुझ में और मौत में सिर्फ एक ही कदम का फासला है। तब यूनतन ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तेरा जी चाहता हो मैं तेरे लिए वही करूंगा। दाऊद ने यूनतन से कहा कि देख कल नया चांद है और मुझे लाजिम है कि बादशाह के साथ खाने बैठूं, पर तू मुझे इजाजत दे कि मैं परसों शाम तक मैदान में छिपा रहूं। अगर मैं तेरे बाप को याद आऊं तो कहना कि दाऊद ने मुझसे बजिद होकर रुखसत मांगी ताकि वो अपने शहर बैतलहम को जाए, इसलिए कि वहां सारे घराने की तरफ से सालाना कुर्बानी है। अगर वो कहे कि अच्छा तो तेरे चाकर की सलामती है, पर अगर वो गुस्से से भर जाए तो जान लेना कि उसने बदी की ठान ली है। पस तू अपने खादिम के साथ मेहर से पेश आ, क्योंकि तूने अपने खादिम को अपने साथ खुदावंद के अहद में दाखिल कर लिया है। पर अगर मुझ में कुछ बदी हो तो तू आप ही मुझे कत्ल कर डाल, तू मुझे अपने बाप के पास क्यों पहुंचाए। यूनतन ने कहा ऐसी बात कभी ना होगी, अगर मुझे इल्म होता कि मेरे बाप का इरादा है कि तुझसे बदी करे तो क्या मैं तुझे खबर ना करता। फिर दाऊद ने यूनतन से कहा अगर तेरा बाप तुझे सख्त जवाब दे तो कौन मुझे बताएगा। यूनतन ने दाऊद से कहा चल हम मैदान को निकल जाएं, चुनाचे वो दोनों मैदान को चले गए। तब यूनतन दाऊद से कहने लगा खुदावंद इसराइल का खुदा गवाह रहे कि जब मैं कल या परसों अनकरीब इसी वक्त अपने बाप का भेद लूं और देखूं कि दाऊद के लिए भलाई है तो क्या मैं उसी वक्त तेरे पास कहलाना भेजूंगा और तुझे ना बताऊंगा। खुदावंद यूनतन से ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मेरे बाप की यही मर्जी हो कि तुझसे बदी करे और मैं तुझे ना बताऊं और तुझे रुखसत ना कर दूं ताकि तू सलामत चला जाए और खुदावंद तेरे साथ रहे जैसा वो मेरे बाप के साथ रहा, और सिर्फ यही नहीं कि जब तक मैं जीता रहूं तब ही तक तू मुझ पर खुदावंद का सा कर्म करे ताकि मैं मर ना जाऊं, बल्कि मेरे घराने से भी कभी अपने कर्म को बाज ना रखना। और जब खुदावंद तेरे दुश्मनों में से एक एक को जमीन पर से नेस्तो नाबूद कर डाले तब भी ऐसा ही करना। सो यूनतन ने दाऊद के खानदान से अहद किया और कहा कि खुदावंद दाऊद के दुश्मनों से इंतकाम ले। और यूनतन ने दाऊद को उस मुहब्बत के सबब से जो उसको उससे थी दोबारा कसम खिलाई, क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मुहब्बत रखता था। तब यूनतन ने दाऊद से कहा कि कल नया चांद है और तू याद आएगा क्योंकि तेरी जगह खाली रहेगी, और अपने 3 दिन ठहरने के बाद तू जल्द जाकर उस जगह आ जाना जहां तू उस काम के दिन छिपा था, और उस पत्थर के नजदीक रहना जिसका नाम अजल है, और मैं उस तरफ 3 तीर इस तरह चलाऊंगा गोया निशाना मारता हूं, और देख मैं उस वक्त छोकरे को भेजूंगा कि जा तीरों को ढूंढ ले आ। सो अगर मैं छोकरे से कहूं कि देख तीर तेरी इस तरफ हैं तो तू उनको उठा कर ले आना, क्योंकि खुदावंद की हयात की कसम तेरे लिए सलामती होगी ना कि नुकसान। पर अगर मैं छोकरे से यूं कहूं कि देख तीर तेरी उस तरफ हैं तो तू अपनी राह लेना क्योंकि खुदावंद ने तुझे रुखसत किया है। रहा वो मामला जिसका चर्चा तूने और मैंने किया है, सो देख खुदावंद अबद तक मेरे और तेरे दरमियान रहे। पस दाऊद मैदान में जा छिपा, और जब नया चांद हुआ तो बादशाह खाना खाने बैठा, और बादशाह अपने दस्तूर के मुआफिक अपनी मसनद यानी उसी मसनद पर जो दाऊद के बराबर थी बैठा, और यूनतन खड़ा हुआ और अबनीर साउल के पहलू में बैठा और दाऊद की जगह खाली रही। लेकिन उस रोज साउल ने कुछ ना कहा क्योंकि उसने गुमान किया
कि उसे कुछ हो गया होगा, वो नापाक होगा, वो जरूर नापाक ही होगा। और नए चांद के बाद दूसरे दिन दाऊद की जगह फिर खाली रही। तब साउल ने अपने बेटे यूनतन से कहा कि क्या सबब है कि यस्सी का बेटा ना तो कल खाने पर आया ना आज आया है। तब यूनतन ने साउल को जवाब दिया कि दाऊद ने मुझसे बजिद होकर बैतलहम जाने को रुखसत मांगी। वो कहने लगा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे जाने दे, क्योंकि शहर में हमारे घराने का जबीहा है और मेरे भाई ने मुझे हुक्म किया है कि हाजिर रहूं। अब अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो मुझे जाने दे कि अपने भाइयों को देखूं। इसीलिए वो बादशाह के दस्तरखान पर हाजिर नहीं हुआ। तब साउल का गुस्सा यूनतन पर भड़का और उसने उससे कहा, ऐ कज रफ्तार चंडालन के बेटे, क्या मैं नहीं जानता कि तूने अपनी शर्मिंदगी और अपनी माँ की बरहनगी की शर्मिंदगी के लिए यस्सी के बेटे को चुन लिया है? क्योंकि जब तक यस्सी का ये बेटा रुए जमीन पर जिंदा है, ना तो तुझको कायम होगा ना तेरी सल्तनत को। इसलिए अभी लोग भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि उसका मरना जरूर है। तब यूनतन ने अपने बाप साउल को जवाब दिया, वो क्यों मारा जाए, उसने क्या किया है? तब साउल ने भाला फेंका कि उसे मारे। इससे यूनतन जान गया कि उसके बाप ने दाऊद के कत्ल का पूरा इरादा किया है। सो यूनतन बड़े गुस्से में दस्तरखान पर से उठ गया और महीने के उस दूसरे दिन कुछ खाना ना खाया, क्योंकि वो दाऊद के लिए रंजीदा था, इसलिए कि उसके बाप ने उसे रुसवा किया। और सुबह को यूनतन उसी वक्त जो दाऊद के साथ ठहरा था मैदान को गया और एक छोकरा उसके साथ था, और उसने अपने छोकरे को हुक्म किया कि दौड़ और ये तीर जो मैं चलाता हूँ ढूंढ ला। और जब वो लड़का दौड़ा जा रहा था तो उसने ऐसा तीर लगाया जो उससे आगे गिरा, और जब वो छोकरा उस तीर की जगह पहुंचा जिसे यूनतन ने चलाया था, तो यूनतन ने छोकरे के पीछे पुकार कर कहा, क्या वो तीर तेरी उस तरफ नहीं? और यूनतन उस छोकरे के पीछे चिल्लाया, तेज जा, जल्दी कर, ठहर मत। सो यूनतन के छोकरे ने तीरों को जमा किया और अपने आका के पास लौटा, पर उस छोकरे को कुछ मालूम ना हुआ, फकत दाऊद और यूनतन ही इसका भेद जानते थे। फिर यूनतन ने अपने हथियार उस छोकरे को दिए और उससे कहा, इनको शहर को ले जा। जूं ही वो छोकरा चला गया, दाऊद जनूब की तरफ से निकला और जमीन पर औंधा होकर तीन बार सिजदा किया, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को चूमा और बहम रोए, पर दाऊद बहुत रोया। और यूनतन ने दाऊद से कहा कि सलामत चला जा, क्योंकि हम दोनों ने खुदावंद के नाम की कसम खा कर कहा है कि खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान और मेरी और तेरी नस्ल के दरमियान अबद तक रहे। सो वोट कर रवाना हुआ और यूनतन शहर में चला गया।